हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। एग्जांपल नंबर थ्री इसका क्या है, हाउ मच करंट विल अ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो अब क्वेश्चन को गिवन में सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट क्या है, ए पार्ट में गिवन में क्या क्या है ये देख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ, सोर्स कितने वोल्ट का है, यानी वी दिया हुआ है। वी कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। दूसरा, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, आर दिया हुआ है। कितना गिवन है, 1200 ओम दिया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आई, फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। अब इसी में V की वैल्यू पुट कर देंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे, I हम फाइंड कर देंगे। तो V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर V की वैल्यू हमारा 220 वोल्ट है। I निकालना है, I R की वैल्यू कितनी है, 1200। यहाँ से I फाइंड करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 220 अपॉन 1200 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.18 एम्पियर आ जाएगी। तो ये I की वैल्यू निकल के आ गई पहले क्वेश्चन के लिए। इस वाले पार्ट के लिए I की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब अगर बी पार्ट डिस्कस करें, बी पार्ट क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में लिख लेते हैं। बी पार्ट में गिवन में क्या क्या है, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में कह रहा है बी पार्ट कि हाउ मच करंट विल अ इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉयल इज 100 ओम दिया हुआ है। यानी सेम वही क्वेश्चन बी गिवन है, बी कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। I हमें फाइंड करना है। R गिवन में कितना दिया हुआ है, R गिवन में है 100 ओम दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है I। तो सबसे पहले हम फिर वही ओम्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, I R हो जाता है। वैल्यू पुट कर देंगे कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 220 हो जाएगा और I कितना दिया हुआ है, I फाइंड करना है, R है हमारा 100 ओम है। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। I की वैल्यू जो निकल के आएगी डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पियर आ जाएगा हमारा I। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हो गया।